मेरी मां नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसी कई बातें मैं रोज कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूं। गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आप सभी तो अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कीजिए। लेकिन एक बात कहूं, सफलता अब बहरी है, कान नहीं है उसके पास, उसे ये सारी बातें सुनाई नहीं देती। आप थके हुए हैं, आपके शरीर में दर्द है, आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हैं, और ऐसी कोई भी बात उसे सुनाई ही नहीं देती। मेहनत इतनी करो कि आज की गालियों का स्वर एक दिन तालियों में बदल जाए। जिस किसी ने ठुकराया है आपको, क्यों उसको याद करें, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करें। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ। जला हुआ जंगल छुप कर रोता रहा, लकड़ी उसी की थी उस माचिस की तीली में। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है, जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है, उन्हें हर हाल में पूरा करना है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। मंजिल हमारे करीब से गुजर गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाते रह गए। दूसरों के घर जाकर पंचायत की वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। वक्त देकर साथ छोड़ने वालों, एक बात जरूर याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। गीता में इस पर शब्दों में लिखा है, निराश नहीं होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब पूरी तरीके से टूट चुके, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हवा से सुनी हुई बातों पर यकीन न करें, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को खो देते हैं। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है, उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, और खुद खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। दो बात अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कड़वा है लेकिन सच, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो घूमे भी बोल पड़ते हैं। अगर सीने में लगी हो आग तो फैला दो पूरे भारत में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अस अस बी मोटिवेशनल।